नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस बिहार और मैं हूं आपके साथ खुशी। कोरोना महामारी से पूरी दुनिया परेशान है और इसी बीच बिहार की अगर बात करें तो मौसम ने करवट ले ली है। कोरोना से आपको निजात मिलने में अभी थोड़ा समय जरूर लगेगा, लेकिन इसी बीच अगर बिहार के मौसम की बात करें तो वो उसने बहुत करवट ली है। और ये बहुत ही अच्छी बात है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि किस तरीके से यहाँ का जो मौसम है वो बिल्कुल बदल सा गया है। बादल जो है वो आसमान पर छा चुके हैं और इसी बीच अगर मौसम विभाग की भी माने तो मौसम विभाग ने भी साफ तौर पर कहा है कि कुछ दिन तक मौसम जो है वो करवट ले सकता है। साथ ही कई जिलों में, पटना सहित कई जिलों में बारिश होने की भी बात मौसम विभाग जो है वो लगातार कर रहा है। तो इससे ये बात तो साबित होती है कि घर पर बैठे लोग जो गर्मी से परेशान हैं उनको अभी कोरोना से निजात पाने में वक्त लगेगा, लेकिन गर्मी से अब वो परेशान नहीं होंगे और उन्हें गर्मी से निजात जो है वो मिल जाएगा। बिहार की मौसम जो है वो अब करवट लेने वाली है और अब जो लोग हैं घर पे रहते रहते लोग जो चिड़चिड़े से हो रहे हैं अब वो नहीं होंगे और ये जो फिलहाल जो है मौसम जो है वो बदल जाएगा। इसके साथ आपको बताएं कि मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है वो आपकी स्क्रीन पर अभी है, जिसमें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि इन जिलों में खासतौर पर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है, जिसमें नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, मुंगेर के साथ साथ जमुई का जिक्र किया गया है जहां पर बारिश होने की संभावना है। साथ ही शाम होते तक रात तक बादल के गरजने की भी संभावना है। तो वहां के लोग तो खुश हो जाएं क्योंकि कोरोना के समय पे जहां सभी को ये कहा जा रहा है कि घर पर रहें क्योंकि कोरोना से बचना ज़रूरी है, तो घर पर रहने के साथ ही लोग जो है गर्मी से परेशान थे, जो अब बिहार के लोग जो इन जिलों में खासतौर पर फिर से आपको बताना चाहूँगी, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय के साथ साथ इन जिलों के लोग अब जो है थोड़ा खुश हो जाएं क्योंकि बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। साथ ही आप देख सकते हैं कि मौसम ने भी करवट ले ली है, जो खुशी की बात है। आप देख सकते हैं कि इस महामारी के बीच जब लोग परेशान हैं तो कम से कम मौसम बदल कर कुछ तो अच्छा हुआ है। इस जो तनावपूर्ण माहौल है उसमें कुछ अच्छी खबर है जो मैं आज आपको बता रही हूँ कि इस माहौल में मौसम ने जिस तरीके से करवट ली है तो शायद हो सकता है कि जल्दी ही इस तरीके से ही कोरोना से भी हमें निजात मिल जाए। तब तक के देखते रहे हेडलाइंस बिहार, और अगर आपने अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है हेडलाइंस बिहार को तो विजिट करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।